जननायक चौधरी देवीलाल ने जब 100 रुपये बुढ़ापा पेंशन शुरू की थी, तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि आखिर उस बुजुर्ग के जीवन में उस 100 रुपये का क्या महत्व है। आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ जींद जिले के गांव बुढ़ाखेड़ा लाठर में, और यहाँ पे भी सामाजिक सरोकार परिवार की ओर से लाडो सरस्वती अवार्ड है, वो योजना पिछले 4 साल से चल रही है, और गाँव में जितनी भी बेटियां हैं उनको 100 रुपये का अवार्ड दिया जाता है। 100 रुपये का जो कैश जो है प्राइज है वो उनको मिलता है हर महीने, और इसके साथ साथ जो है बिस्किट के पैकेट्स हैं वो भी मिलते हैं। जितने भी गांव में बेटियां हैं उन सभी को 100 रुपये मिलते हैं, चाहे वो बेटी पहली कक्षा से लेकर के PhD भी कर रही हो। और चूँकि अब बेटियाँ ये छोटी हैं, इनको 100 रुपये की अहमियत शायद ना भी पता हो, क्योंकि इनके जीवन में इस 100 रुपये का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बेटियाँ 100 रुपये से अपना स्टेशनरी खरीदती है, अपनी जो है कापी लेकर के आती है, कुछ और ज़रूरतें हैं वो भी पूरा करती हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कि बुढ़ाखेड़ा लाठर गाँव में सामाजिक सरोकार परिवार ने ये जो सराहनीय जो पहल की है वो देख करके सरकारें भी हैरान हैं कि आखिर ये कैसे हो पाया, क्योंकि सिर्फ बुढ़ाखेड़ा लाठर ही नहीं, ब्राह्मणवास भी एक ऐसा गांव है इसके साथ लगता, जहां पे 1200 से ज़्यादा बेटियां हैं वो हर महीने 100-100 रुपये जो है पा रही हैं, और इन जो बेटियां हैं उनके जो पारिवारिक सदस्य हैं वो भी, उनका भी सीना चौड़ा होता है कि उनकी बेटी है वो शिक्षा ग्रहण कर रही है, उनकी बेटी है वो स्कूल में पढ़ रही है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से बेटियों को 100-100 रुपये का जो है अवार्ड है वो दिया जाता है, और सामाजिक सरोकार परिवार के जो सदस्य हैं उन्होंने, क्योंकि हर महीने 100 रुपये एक बेटी को और 1200 से ज़्यादा जो बेटियां हैं उनको ये जो है पैसा दिया जाता है। हमारे साथ सामाजिक सरोकार परिवार के सदस्य हैं जिनके पास पूरा डाटा है कि किस किस मोहल्ले में किस किस गली में कितनी बेटियाँ हैं और किस किस को कितना पैसा है वो दिया जाना है। और एक परिवार तो ऐसा भी था बुढ़ाखेड़ा लाठर में जिसमें एक परिवार के 11 बेटियां थी, कुछ परिवार के 3 बेटियां थी, कहीं 2 बेटियां थी, किसी की 1 बेटी थी, सभी को 100-100 रुपये का जो जो है प्रोत्साहन है वो दिया जाता है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि ये बेटी जो है पहली क्लास में, कौन सी क्लास में पढ़ती है, पहली में, इसको भी 100 रुपये मिला है, लेकिन अहमियत इसको शायद आज इस बात का पता ना हो कि 100 रुपये में वो क्या कर सकती है। हमारे साथ एक और बेटी है, क्या नाम है आपका? सीमा जी। तो आपको 100 रुपये हर महीने मिलते हैं, यस, तो क्या करते हैं आप इस 100 रुपये का, क्या योगदान है आपके जीवन में इस 100 रुपये का? 100 रुपये से आप क्या करते हैं? किताबें लाते हैं, बुक्स लाते हैं, पेन लाते हैं, कॉपी लाते हैं, स्टेशनरी खरीदते हैं? पेन कॉपी खरीदते हैं सर। पेन कॉपी खरीदते हैं। तो आपके परिवार के जो लोग हैं वो इसको लेकर के क्या सोचते हैं कि बेटियाँ हर घर में होनी चाहिए ताकि शिक्षा उनकी हो सके? जी सर, सब यही सोचते हैं कि हर घर में बेटी जरूर होनी चाहिए। जरूर होनी चाहिए। और आपको दिखा रहे हैं आप कितने, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 5वीं। तो क्या करोगे इस 100 रुपये का? आप कॉपी किताब। आप क्या करोगे? कॉपी किताब। बुक लेके आएंगे। हमारे साथ सामाजिक सरोकार परिवार के सदस्य हैं जिनके पास पूरा डाटा है। सर, आंकड़ों के हिसाब से देखें तो गांव में और आसपास के कितने बेटियों को ये पैसा दिया जा रहा है? आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो टोटल हमारे यहाँ की लगा के चले ना इस मोहल्ले के 217 गुड़िया हैं, जो पढ़ाई के तौर पर चल रहे हैं उनको 217 गुड़िया को पर मंथ 100 रुपये और साथ में एक बिस्कुट का पैकेट इस मोहल्ले की चल रही है जी। फिलहाल ये नागर क्लब है, इसकी चल रही है साथ में प्रजा, अलग अलग जो पाना है, अलग अलग पत्ती है वैसे बना रखी है। हाँ जी, अलग अलग पाने वाली चल रही है, अलग अलग पाने वाली, अलग अलग टीमें हैं वो जा करके देके आती है। तो ये 100 रुपये हर महीने इनको समय पे दिया जाता है या कोई डेट फिक्स है या कोई दिन फिक्स है? डेट फिक्स नहीं है जी, मतलब टाइम लागन उसे टाइम बांटने। अच्छा, जी सर। हाँ जी, शनिवार को या इस तरह से? हाँ जी, जैसे कि बच्चों की भी छुट्टी होती है ना उसी टाइम पे चलते हैं। हाँ जी, 270 ब्राह्मण वास गाँव में। अच्छा, वहाँ पे? हाँ जी। यानी करीब 1200 बेटियों को ये प्रोत्साहन है वो दिया जाता है। हाँ जी जी। हाँ जी सर, और क्या सोचते हैं आप इस तरह की योजनाएं हैं वो सरकारें हैं वो भी काम करनी चाहिए इस योजनाओं पे ताकि बेटियां हैं, जैसे सरकार नारा दे रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन असल में सामाजिक सरोकार है वो ये काम कर रहा है कि जो जिसकी बेटी पढ़ेगी उसको 100 रुपया मिलेगा। बहुत बढ़िया काम हो रहा है। जो इस गांव में एक ही परिवार की 11 बेटियां हैं जिनको प्रोत्साहित किया गया है। हमारे साथ आप देख सकते हैं कि ये 10 बेटियां हैं और 11वीं हैं वो अंजी माता जी, वो कहाँ गई? 11वीं जी स्कूल में जा रही है। स्कूल में जा रही है। तो ये हर महीने मिलता है इनको? हाँ जी, मिला जी यार। हर महीने मिलता है जी। कोई टाइम पे मिलता है या कोई फिक्स डे है या नहीं? सही टाइम पे आवाज़ है। सही टाइम पे? हाँ जी, सही टाइम। 100-100 रुपये मिलते हैं। तो आपके कितने परिवार इस घर में रहते हैं जिनकी 11 बेटियां हैं?
इसमें पाँच। अच्छा, पाँच परिवार। हाँ जी, मेरे तो लड़के हैं। आप पाँच लड़के हैं, उनके दो दो बेटियां हैं ना जी। हाँ, इसका पाँच। अच्छा, आपके पाँच है। मेरे पाँच तो ये जो है पाँच बेटियां हैं आपके, कि सामाजिक सरोकार परिवार है उसकी ओर से ये दिए जा रहे हैं। क्या कुछ आप सोचते हैं कि क्या कुछ बच्चों के लिए बहुत प्रोग्रेस कर रखी है जिन्होंने ये दे रखा है। लड़कियों के बारे में बहुत अच्छी सोच रखी है उन्होंने कि हमारे गांव की प्रोग्रेस हो, पढ़ाई में बच्चा 100-200 जिनसे जो भी लगा रखे हैं पढ़ाई के बारे में सोच रखे उन्होंने कि तो बेटियों को आगे बढ़ने का भी मौका मिलेगा इससे। हालांकि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आगे के लिए भी सोच रखे उन्होंने, बच्चों के प्रोग्रेस के लिए गुड़िया के बारे में इतना सोचा हुआ उन्होंने कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के अच्छा बने और 100-100 रुपये दे दे के उन्होंने अपना गाँव का होकर। हमारे साथ कुछ बेटियां भी हैं जी। क्या नाम आपका? वंशिका जी। तो 100 रुपये आपको भी मिले आज? यस सर जी। क्या करेंगे इस 100 रुपये का आप? सर हम कॉपी लेके आएंगे, पेन लेके आएंगे और जो जरूरत का सामान है उस वो सामान लेके आएंगे, स्टेशनरी वगैरह लेके आएंगे जी। आपका क्या नाम है? राशि जी। तो आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 8th में जी। तो ये 100 रुपये आपको हर महीने मिलता है? यस सर जी। तो क्या करती हैं आप इस 100 रुपये का? सर अपना स्कूल के सामान लेकर आती हैं। स्कूल का सामान लेकर आती हैं कुछ जी। आपका क्या नाम है? मोनिया सर जी। तो आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैंने प्लस टू कर ली सर। अच्छा, प्लस टू कर ली। लेकिन 100 रुपये आपको भी मिल रहे हैं? हाँ यस सर जी। तो क्या क्या करती हैं 100 रुपये का, और जो पूरे गाँव में भी दिए जाते हैं या कुछ मोहल्लों में ऐसे? नहीं सर, पूरे गाँव में। मेरा नाम शिवानी है जी। तो ये 100 रुपये आपको मिले हैं, ये पहली बार मिले हैं या पहले भी कभी मिले हैं? हमें बहुत बार मिल चुके हैं, इन्हें 1 साल हो गया है। इससे हमें बहुत सुरक्षा प्रदान होती है, और जो हमारे भाई सुरेंद्र लाठर हैं उन्होंने जगह जगह पर लाइब्रेरी खुलवाई है। इससे हमें पढ़ाई के बारे में और भी जानकारी मिलती है। जो हमारी छोटी बहनें हैं वे भी ऐसा सोचती है कि हम भी आगे पढ़े, हमारे जो भाई हैं वे भी हमारे लिए और कुछ करें। तो 100 रुपये का क्या करते हैं आप हर महीने जो मिलता है? अगर कुछ भी हमें बुक खरीदनी होती है, पेन भी लेके आते हैं, ऐसे बोलते हैं मम्मी 10 रुपये दो मेरे को पेन लेके आना है, तो इसलिए हमें पैसे मिल गए तो हम अपना आप स्वयं करेंगे कार्य इसलिए। धन्यवाद जी। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम कविता है जी। तो ये 100-100 रुपये बच्चों को प्रोत्साहन मिल रहा है, जो माँ बाप हैं वो क्या सोचते हैं कि बेटियों को पढ़ाना? सोचते हैं कि बेटियों के लिए और आगे सम्मानित किया जाए और बढ़िया कुछ किया जाए कि हमारे भाई हैं, चाचे ताऊ हैं, जो भी हमारी लड़कियों के लिए इतना करे आगे और कुछ करके दिखाएंगे। और जो साधन चले हुए हैं, स्कूटरी वगैरह ये चलाई गई हैं भाई, हमारी लड़कियों की सुविधा के लिए चलाई गई हैं। ऐसे परेशान से माँ बाप तो सोचते होंगे कि बेटी अगर घर में पैदा होती है तो उसको जो है प्रोत्साहन मिलेगा या वो उसको पढ़ाई की तरफ से दिया जाता है। हाँ जी, आगे और बढ़ेगी भाई, लड़की पढ़ेंगी, पढ़ने के लिए और भी सुविधा मिलेंगी। अरे ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि हम और सुविधा करेंगे लड़की। जो ये 100 रुपये की स्कीम चला रखी है ये बेटियों को ऊंचा उठाने के लिए चल रही है सर, और जहाँ तक हमारी कोशिश है हमारे बच्चे पढ़े लिखें और तरक्की करें। तो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि दोनों ही गांव में 1200 से ज़्यादा बेटियां हैं, हर मोहल्ले वाइज लिस्टें बनती हैं और हर महीने बेटियों को 100 रुपया मिलता है, और इस 100 रुपये से बेटियाँ हैं उनके जीवन में उनका काफ़ी अहम योगदान, क्योंकि 100 रुपया कहने में छोटी अमाउंट है लेकिन स्टेशनरी वो लेकर के आती हैं, कॉपी लेकर के आती हैं, पेन लेकर के आती हैं। और मैंने आपको पहले कहा था कि जब पेंशन योजना शुरू की गई थी, जब चौधरी देवीलाल ने ये सोचा था कि 100 रुपये से बुजुर्ग हैं वो अपना सम्मान बढ़ाएंगे, लेकिन आज उस पेंशन योजना का लाभ है वो बुजुर्ग ले रहे हैं। उसी तर्ज पे बेटियों के लिए योजना शुरू की गई है। सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सही मायने में सामाजिक सरोकार परिवार जो काम कर रहा है, बेटियों को नगद पुरस्कार हर महीने दिया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस योजना को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।